अगर मैं आज वाली क्लास की बात करूं तो उन्हीं स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आएगा जिन्होंने कॉस्ट शीट की नॉलेज है, यानी जितने नए बच्चे एनरोल हुए होंगे उनको थोड़ी कॉस्ट शीट आनी चाहिए। अगर उन्होंने कॉस्ट शीट नहीं कर रखी तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको दिक्कत ना हो, लेकिन फिर भी बेसिक कॉस्ट शीट है इसका, ठीक है ना? बेसिक क्या है हमारा? कॉस्ट शीट है। चलिए सर, चैप्टर का नाम है हमारा, एकदम लास्ट यूनिट है ये, कॉस्ट रिकंसलेशन। कॉस्ट रिकंसलेशन, सर कॉस्ट रिकंसलेशन है। सर होता क्या है कॉस्ट रिकंसलेशन? कॉस्ट रिकंसलेशन हमारा, रिकंसलेशन का मतलब होता है ठीक करना, ठीक करना, ठीक है सर? क्या ठीक करना? जनरली होता है क्या है, हमारे अकाउंट्स को संभालने के लिए दो तरीके के इंसान होते हैं, दो तरीके के पर्सन होते हैं, दो तरीके के कोर्सेस होते हैं। एक होता है हमारा चार्टेड अकाउंटेंट, जिसे आप सीए कहते हो। एक तो इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है अकाउंटिंग करने की, और एक होता है हमारा कॉस्ट अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंटेंट सर, जो कॉस्ट अकाउंटेंट होता है ना, वो कॉस्ट अकाउंटेंट की भी जिम्मेदारी होती है कि इसको भी अकाउंटिंग करनी है। इस ये भी एक कोर्स है इंडिया के अंदर सीए का, और एक कॉस्ट अकाउंटेंट का भी कोर्स है। ये कोर्स हमारा ICAI के थ्रू होता है, आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा। और ये वाला कोर्स ये बहुत कम बच्चों को पता होता है, ICWA। इसका नाम बदल गया है, कई बार CMA भी बोल देते हैं इसको, ठीक है ना? तो ये दोनों है, यानी अगर मेरी कंपनी है तो क्या सर दोनों अकाउंटेंट आप अपनी कंपनी में रखोगे? हाँ, मैं अपनी कंपनी के अंदर बिल्कुल दोनों अकाउंटेंट रखने पड़ेंगे, दो दो अकाउंटेंट रखने पड़ेंगे। अगर मेरी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो लॉ कहता है कि भैया तुमको दोनों अकाउंटेंट रखना होगा, सीए भी रखना होगा और CMA भी रखना होगा। इसका काम है सर कॉस्ट के बारे में अकाउंट्स की डिटेल बताना, और इसका काम है सर प्रॉफिट एंड लॉस यानी बैलेंस शीट के बारे में डिटेल बनाना। तो जो दूसरे का काम कॉस्ट के बारे में है सर, लेकिन एक कॉमन काम दोनों का है, इसका भी काम है हमारा प्रॉफिट बताना। इसका भी काम क्या है? प्रॉफिट बताना। और इस सीए का भी काम क्या है सर? प्रॉफिट बताना। मतलब सर दोनों का एक ऑब्जेक्टिव कॉमन भी है क्या? बिल्कुल, इन दोनों का एक ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? कॉमन है, दैट इज प्रॉफिट बताना। बीच बीच में ब्लर हो रही है, ओके इसको मैनुअल कर दें। चलिए अब नहीं होगी शायद। अब देख लीजिए, अब क्लियर हो गया होगा, मैंने ऑटो फोकस कर दिया। नहीं सर अभी ओके है सब, ओके। तो सर किस बात की चर्चा कर रहे थे, यानी हर एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में कितने अकाउंटेंट होंगे? दो। एक का काम होगा कॉस्ट का कैलकुलेशन करना, और एक का काम होगा सर बैलेंस शीट का बनाना। जो कॉस्ट का कैलकुलेशन करेगा उसका भी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट निकालना होता है, और फाइनेंस वाले का भी ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर? प्रॉफिट निकालना होता है। दोनों का ही ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट निकालना होता है, ठीक है ना? लेकिन सर दोनों का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अगर निकालना है तो किसकी प्रॉफिट को सही माने? जो मालिक है ना, जो ऑनर है, ऑनर दोनों को बुलाता है, ऑनर दोनों को बुलाता है, और दोनों को बुलाने के बाद दोनों से पूछता है, भाई साहब आप बताओ कितना प्रॉफिट है? जो सीए है वो बोलता है, भाई साहब प्रॉफिट है हमारा 500 करोड़ का। बोलता है, भाई तू सीएमए तू भी आ जा, तू बता दे कितना प्रॉफिट है। सीएमए ने बोला, भाई साहब प्रॉफिट है 450 करोड़ का। जब ऐसी बातें सुन रहा है मालिक, दोनों एक ही कंपनी का, तो इनके दिमाग में बड़े सारे क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं। और बड़े सारे क्वेश्चन मार्क किस बात के? यार प्रॉफिट तो तुम दोनों ने निकाला,
और जो प्रॉफिट तुम बोल रहे हो 450 करोड़ का मुनाफा है, और तुम बोल रहे हो 500 का मुनाफा, 500 करोड़ का मुनाफा है, ऐसा फर्क क्यों आ रहा है? तो इस सिचुएशन में कॉस्ट अकाउंटेंट कुछ बातों को अपने अकॉर्डिंग लेके चलता है, अपने अकॉर्डिंग लेके चलेगा कॉस्ट अकाउंटेंट। जैसे कॉस्ट अकाउंटेंट ने गुडविल नहीं दिखाया होगा राइट ऑफ, लेकिन फाइनेंस जो बैलेंस शीट बना रहा होगा उसने गुडविल दिखाया होगा। कॉस्ट अकाउंटेंट ने अपने P&L में इंटरेस्ट की एंट्री नहीं की होगी, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इसने इंटरेस्ट की एंट्री करी होगी। कॉस्ट अकाउंटेंट ने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को नहीं दिखाया होगा, जबकि CA ने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को दिखाया होगा। तो मोरऑल सर, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य सारी बात अगर आप करते हो तो मतलब तो ये समझ में आता है कि कुछ खर्चे कॉस्ट अकाउंटेंट छोड़ देता है, लेकिन जो CA है वो किसी खर्चे को नहीं छोड़ता, वो सभी खर्चे को लेके चलता है और सभी इनकम को भी लेके चलता है। कॉस्ट अकाउंटेंट लगभग लगभग सभी इनकम को इग्नोर करके चलता है, जिस वजह से इनके प्रॉफिट में डिफरेंस आ जाता है। तो आपसे एग्जामिनर बोलता है कि भैया जो डिफरेंस आया है ना, उस डिफरेंस के कारण बता दीजिए, उस डिफरेंस के कारण बता दीजिए। और इसको क्या बोला गया सर? इसको बोला गया ठीक करना, कॉस्ट को रिकंसिलेशन करना, हमें कॉस्ट को रिकंसिलेशन करके दिखाना होगा। तो पहले इस चैप्टर का फंडा समझिए, क्या है इस चैप्टर का फंडा सर? हमें कॉस्ट रिकंसिलेशन क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि जो कॉस्ट अकाउंटेंट प्रॉफिट निकाल रहा होगा उसका प्रॉफिट क्या आ रहा होगा? अलग। और जो हमारा चार्टेड अकाउंटेंट निकाल रहा होगा उसका प्रॉफिट क्या आ रहा होगा? अलग। तो दोनों के प्रॉफिट के अंदर डिफरेंस आने की वजह से मालिक परेशान हो गया। इस मालिक को समझाने के लिए हमें एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, ताकि मालिक को बता पाए ये इसने किया और ये मैंने नहीं किया, इसलिए फर्क आ रहा है। तो इस सिचुएशन में सर कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? पहले हम दोनों की चीजों को समझ लेते हैं कि फर्क आता क्यों है, फिर आगे चैप्टर बड़ा आसान हो जाएगा आपका। ये पहले हम समझ लेते हैं फर्क क्यों आता है सर। अब मैं थोड़ा सा आपको सेमेस्टर 1 में ले जाना चाहूंगा। सेमेस्टर 1 में आपको बहुत अच्छे से याद है, आपने बनाया था सर, क्या बनाया था? ट्रेडिंग। क्या बनाया था? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, बिल्कुल याद होगा। अब जो जब आप 4th सेमेस्टर में आए नए बच्चे होके, तो अब आपने क्या सीखा सर? सर यहाँ पे आपने प्रॉफिट निकालना यहाँ भी सीखा, और पहली क्लास में निकालना सिखाया सर यहाँ प्रॉफिट। तो सर यहाँ क्या बनाया सर? यहाँ बनाया आपने दैट इज कॉस्ट शीट। यहाँ क्या बनाया? कॉस्ट शीट। अगर मैं कुछ भी परचेज करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, कुछ भी परचेज करता हूँ 10,000 का, और अगर मैंने यहाँ पे भी परचेज लिखा 10,000 का, ध्यान देना है आपने, अगर यहाँ भी परचेज लिखा 10,000 का, क्या दोनों में कोई फर्क हुआ क्या? नहीं हुआ। तो इसका रिकंसिलेशन करना है क्या? नहीं करना। फिर मैंने यहाँ क्या दिखाया सर? वेजेस। यहाँ वेजेस दिखाया मैंने 6,000 रुपए, और यहाँ भी मैंने वेजेस दिखाया सर 6,000 रुपए। क्या इसका रिकंसिलेशन करना है हमें? सर नहीं करना, दोनों जगह क्या है? सेम है। मैंने यहाँ दिखाया बाय में सेल्स दिखाया मैंने, मान लेते हैं 50,000 रुपए, और यहाँ सबसे नीचे जाके सबसे डाउन में लिखा मैंने सेल्स सर 50,000। क्या हमें इसका रिकंसिलेशन करना है? सर नहीं करना। यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, आप सब भी जानते हो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। तो ये 50,000 रुपये आपने यहाँ लिखा, और 50,000 रुपये आपने यहाँ लिखा, और यहाँ पे GP निकाल लेते हैं हम, और 50,000 में से 16,000 माइनस कर देंगे, दैट इज आपका 34,000, और फिर आगे GP आ जाता है 34,000। इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, आगे चलती जाएगी। और इस वाले केस के अंदर इस कहानी को हम क्या नाम देते हैं सर? प्राइम कॉस्ट। इसलिए मैंने कहा कॉस्ट शीट आना थोड़ा सा जरूरी है। ये सभी को क्लियर है? अब सर मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा, मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा 5,000 रुपए, लेकिन इंटरेस्ट यहाँ तो लिखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि कॉस्ट शीट के अंदर इंटरेस्ट का कोई काम नहीं है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, नहीं लिखेंगे। तो सर अब यहाँ इंटरेस्ट लिखोगे और यहाँ इंटरेस्ट नहीं लिखोगे तो प्रॉफिट पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा ना। अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट निकालते हो, अभी मैं प्रॉफिट निकाल लूं अगर कुछ भी ना हो बीच में, तो आप बोलोगे सर जो प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट होगा, एक मिनट रुक जाइए। प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना बच्चे, कह रहे हैं सर वीडियो लैग बहुत।
एक मिनट रुकिए, ये बैटरी लो। नो लैग, वो चार्ज पे लगा लिया। ठीक है, मुझे सब सर ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आप प्रॉफिट निकाल के बताओ, आप बोलोगे सर 50 में से 16 माइनस करो 34,000 आएगा। और मैंने बोला चलो यहां भी प्रॉफिट निकाल के बताओ, मैंने एक ही एग्जांपल लिया है, लेकिन समझने के लिए एक ही एग्जांपल बहुत होता है। तो आपसे मैंने कहा भाई साहब यहां प्रॉफिट निकाल के दिखाओ, तो आप बोलोगे सर नेट प्रॉफिट यहां आएगा 34 में से 5 माइनस कर दो 29,000। ये कौन बना रहा होगा? ये सर चार्टेड अकाउंटेंट बना रहा होगा। ये कौन बना रहा होगा सर? ये बना रहा होगा हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग CWA बना रहा होगा। अब ये अपना प्रॉफिट मालिक के पास कितना लेके जाएगा? सर कितना प्रॉफिट है? 34,000। और ये कितना लेके जाएगा? सर 29,000। मालिक कंफ्यूज हो जाएगा, यार दोनों अकाउंटेंट में से सैलरी ले रहे हैं, एक 34 बचा रहा है और एक 29 बता रहे हैं, तो गड़बड़ क्या है? फिर ये दोनों मिलके फिर क्या करेंगे? कॉस्ट रिकंसिलेशन। बोलेगा सीएमए वाले की जिम्मेदारी है, इसकी जिम्मेदारी बनती है कि ये बोलेगा मेरा काम नहीं है भाई, तेरा काम है, तेरी वजह से गड़बड़ी हो रहा है, तू कुछ चीजों को छोड़ देता है, कुछ चीजों को ले लेता है, तो कॉस्ट रिकंसिलेशन बना के दिखा। फिर ये क्या करेगा? कॉस्ट रिकंसिलेशन बनाएगा। कैसे बनाएगा कॉस्ट रिकंसिलेशन? पहले बोलेगा मैं एक काम करता हूँ भाई साहब, प्रॉफिट मेरा तो 34,000 है, 34,000 लिख देगा। और बोलेगा भाई तूने इंटरेस्ट दिखा रखा है, मैं भी यहाँ इंटरेस्ट दिखा के माइनस कर दूंगा 5,000, और यहाँ प्रॉफिट मैं दिखा दूंगा उसको कितना 29,000। मालिक को मैं बोलूंगा साहब 34,000 रुपए हमारा प्रॉफिट था और 5,000 रुपए इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, किस क्यों की फाइनेंस का पार्ट था, अब हमने माइनस के सिंबल में दिखा दिया, ये लो प्रॉफिट 29,000 आ गया। तो आप ऐसे सोच लीजिए मेरा भी 29,000 ही है, क्योंकि मैंने एक पॉइंट नहीं दिखाया इसलिए फर्क आ रहा है, और वो भी 29,000 है। तो मालिक इस केस के अंदर, ऑनर इस केस के अंदर फुल्ली सेटिस्फाई हो जाएगा, बोलेगा हाँ ये सब चीज बिल्कुल एकदम ठीक ठाक चल रहा है, अब कोई गड़बड़ी नहीं है। तो पहले ऑब्जेक्टिव समझो, कॉस्ट रिकंसिलेशन बनाने का क्या है, क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि जो मैंने पहले स्टार्टिंग में लिखवाया था एक्सक्लूड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सिर्फ वो वजह है जिसकी वजह से बनाना पड़ता है। अच्छा CWA लिख दिया मैंने, CMA भी होता है, चलिए कोई बात नहीं। यहां तक आपको बातें समझ में आ रही है कि ये चैप्टर क्यों बन रहा है? ये एक दूसरे से आपको ये भी पता होना चाहिए कि दूसरे से लिंक हुए है ये चैप्टर, किससे? पिछले वाले कॉस्ट शीट से। जिसको कॉस्ट शीट नहीं आएगी तो फिर वो थोड़ा सा यहाँ कंपेरिजन में भूल जाएगा, वो तो क्या जोड़ना है क्या नहीं जोड़ना। सर हमें इस चैप्टर को पढ़ाते टाइम पे दो बातों का ध्यान रखना है, या पढ़ते टाइम पे हम इसको CRS बोल देता हूँ मैं, शॉर्ट फॉर्म में पहले पूरा लिख देता हूँ, कॉस्ट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट साहब, कॉस्ट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, इतना आसान चैप्टर है ना, 15-19 नंबर सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है इसमें से उठ के, और ज्यादा से ज्यादा चांसेस इसी के ही बनते हैं। इसको मैं आज के बाद बोलूंगा कॉस्ट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, मैं CRS का नाम दे दूंगा, थोड़ा सा उस बात को आप समझिएगा CRS जब मैं बोलूं। तो सर इसको करना कैसे है, नहीं करना है? सर इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, आप इसको जब करेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको याद आएगा। 11वीं क्लास में भी कुछ ऐसा गड़बड़ होता था, उसको हम इस रिकंसिलेशन करते थे जिसका नाम होता था बैंक रिकंसिलेशन, क्योंकि वहां बैंकिंग ट्रांजेक्शन को हम ठीक ठाक करके दिखाते थे। यहाँ पे हम कॉस्टिंग ट्रांजेक्शन को दिखा रहे हैं, इसलिए नाम हो गया कॉस्ट रिकंसिलेशन। यहाँ पे आपको दो प्रॉफिट होते हैं, किसी एक प्रॉफिट को चुनना है। हो सकता है हमारा प्रॉफिट कैसे हो, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट, यानी जो CMA ने प्रॉफिट लिया है उसको बेस मान लेंगे। या फिर आपका हो सकता है सर प्रॉफिट ले लो आप, कैसे, प्रॉफिट एज पर फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब जो CA ने बनाया, फाइनेंस का मतलब साहब जो CA ने बनाया, क्या लिखना चाहते हो, प्रॉफिट एज पर फाइनेंस। सर फाइनेंस मतलब, अरे भाई P&L जो CA ने बनाया, ये ध्यान रखिएगा आपको, जो CA ने बनाया P&L, ओके। यानी इसका मतलब यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, नहीं जी नहीं, एक मेमोरेंडम वाला भी सीखना होगा जो कि हम लास्ट में कवर करेंगे। आज हम ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? कौन सा वाला पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट दे रखा हो तो कैसे करते हैं? मैं देख लेता हूँ मैंने स्लाइड में क्वेश्चन कौन सा लगाया रखा है यहाँ पे।
प्रॉफिट एज पर फाइनेंस फॉलोइंग डेटा, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट, ठीक है। हाँ डेटा भी हमारा वही है, बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो चलिए सर क्या सिखाने जा रहे हो सर, व्हेन आपको क्या लेना है सर, आपको लेना है पेज प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का मतलब समझ रहे हो, कॉस्ट शीट का मतलब है वो वाला प्रॉफिट जो प्रॉफिट के हमारा CWA CMN ने निकाला होगा। जब आप ये प्रॉफिट बेस मानोगे तो आपको सोचना होगा रिफ्लेक्शन कहाँ सोचना होगा सर, सोचना होगा सर ये किधर सोचेंगे, क्या सोचेंगे और कैसे करेंगे, आपको सोचना होगा फाइनेंस के बारे में है सर। मतलब कॉस्ट का प्रॉफिट होगा और सोचेंगे किसके बारे में सर, फाइनेंस के प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे। अगर फाइनेंस का प्रॉफिट हमारा प्लस में होगा तो हम स्टेटमेंट में भी प्लस करेंगे। अगर फाइनेंस का प्रॉफिट माइनस हो रहा होगा यानी लॉस हो रहा होगा तो हम स्टेटमेंट में भी माइनस करेंगे कंपैरिजन करके। अभी सब चीज समझ में आ जाएगी, अभी बस आप देखते जाइए फिर आपको टोटल क्लियर हो जाएगा सर। मतलब एक दो पॉइंट करके बता दो जैसे कैसे सोचना है। मैंने बोला कि मेरा प्रॉफिट एज पर, मैंने बोला प्रॉफिट एज पर कॉस्ट, मैंने 5,000 रुपए दिया फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं अभी। अब मैं बोलता हूं कि मैंने डेप्रिसिएशन फाइनेंस के अंदर, अगर मैं बोलू डेप्रिसिएशन तो भाई साहब मैं बोलू डेप्रिसिएशन मैंने फाइनेंस में 400 दिखाया और मैंने कॉस्ट में 300 दिखाया, आपको सोचना किसके बारे में है सर, सोचना फाइनेंस के बारे में है। फाइनेंस में कितना डेप्रिसिएशन दिखाया आपने 400, कॉस्ट में कितना डेप्रिसिएशन दिखाया 300, तो आपको साफ साफ पता चल रहा है फाइनेंस में आपने ज्यादा डेप्रिसिएशन दिखा रखा है। कितना ज्यादा डेप्रिसिएशन दिखा रखा है 100 रुपए। अब खर्चा ज्यादा दिखाओगे जब आप फाइनेंस में तो आप सोच लो उसके प्रॉफिट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा। आप मुझे बताइए कमेंट में भी लिख के बताइए कि अगर मैं खर्चा फाइनेंस में ज्यादा दिखाऊंगा तो उसके प्रॉफिट पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा या प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, ये आपने बताना है। बताइए प्रॉफिट कम हो जाएगा या फिर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप खर्चा ज्यादा दिखा रहे हो तो आपका जवाब आया सर प्रॉफिट ऐसे सिचुएशन में क्या होगा सर, प्रॉफिट को कम हो जाएगा। अगर आप कहते हो प्रॉफिट कम हो जाएगा तो माइनस कर देंगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन कितना माइनस कर देंगे 100 रुपए। पूरा फॉर्मेट भी है इसका लेकिन इसके हिसाब से चलेंगे, कम हो जाएगा लेस हो जाएगा तो प्रॉफिट हम माइनस कर देंगे। चलो एक और एग्जाम्पल आप मुझे बताना, मैंने क्या करा इंटरेस्ट पेड किया है और फाइनेंस में मैंने 300 दिखा रखा है, कॉस्ट में दिखाया ही नहीं, आपको सोचना किसके बारे में है बताओ, सोचना किसके बारे में है, आपको सोचना किसके बारे में है। अब मैंने क्या कहा, मैंने इंटरेस्ट पेड फाइनेंस में दिखा रखा है और कॉस्ट में नहीं दिखाया, तो इसका मतलब जब आपने फाइनेंस में दिखाया तो फाइनेंस में खर्चा ज्यादा ही है ना, कंपेयर तो यहीं से कर रहे हो ना आप, फाइनेंस में तो आपने दिखा दिया तो फाइनेंस में खर्चा ज्यादा दिखा दिया तो इसके प्रॉफिट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका प्रॉफिट बताओ क्या हो जाएगा हमारा। तो मैं इंटरेस्ट के नाम से एंट्री कर रहा हूँ, प्रॉफिट बताइए तो मैं वही काम कर दूंगा, बताइए प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा क्योंकि आप खर्चा दिखा रहे हो तो कम होगा, तो मैं यहाँ 300 रुपए फिर माइनस कर दूंगा। ऐसे ही मैंने कहा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रिसीव कर दिया 300 रुपए, 300 की जगह 400 कर देते हैं, इंटरेस्ट रिसीव कर दिया हमने 400 रुपए, लेस हो जाएगा, सभी बच्चे बता रहे। मैंने कहा भैया इंटरेस्ट रिसीव, आपने कहा इंटरेस्ट रिसीव करके दिखाओ तो माने हम, चलो इंटरेस्ट रिसीव। अब आप मुझे सोच के बताओ कि फाइनेंस के प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री में करके दिखा दूंगा, बताओ फाइनेंस के प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा। इंटरेस्ट रिसीव करा है तो इंटरेस्ट रिसीव किया है तो P&L के कहां आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि कॉस्ट में है नहीं तो सिर्फ P&L में जा रहा है, और P&L में जा रहा है और क्रेडिट साइड में आ रहा है तो इससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा स्टेटमेंट के अंदर। इंटरेस्ट को हम 400 रुपए को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब मैंने कहा ओवरहेड,
₹200 और मैंने कहा भैया फाइनेंस में ओवरहेड हुआ ही नहीं है, एग्जाम्पल समझिएगा, मैंने ओवरहेड कहा कितने ₹200 यहाँ पे, और मैंने कहा फाइनेंस में तो सर ओवरहेड हुआ ही नहीं है। अब मुझे बता दो कि एक ऐसा खर्चा है जो कॉस्टिंग के अंदर जा रहा है पर वो खर्चा फाइनेंस में नहीं आ रहा है, तो उसके वजह से प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा? किसके प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ अभी तक? सर फाइनेंस के प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, बताइए फाइनेंस के प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा? फटाफट जवाब दीजिए, फाइनेंस के प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा? सर वॉइस इशू हो रही है, वॉइस ठीक है, मे बी आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम है। चलो इसको आगे लगा, शायद पीछे से बता दीजिए वॉइस इशू है तो। नो परफेक्ट, ओके। तो आप बताइए क्या होगा? मैंने कहा ओवरहेड एक खर्चा है जिसको कहाँ दिखाया है साहब? कॉस्ट में दिखा रखा है। अगर आपने कॉस्ट में दिखा रखा है, फाइनेंस में नहीं दिखाया, तो खर्चा तो दिखाया ही नहीं आपने फाइनेंस में, तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। बच्चे कह रहे हैं नो इफेक्ट नो इफेक्ट, नहीं नहीं नहीं, आप समझो, अगर आप इस तरफ खर्चा दिखा रहे हो तो आपने फाइनेंस अकाउंट के अंदर खर्चा नहीं दिखाया। इसका मतलब अगर आपने खर्चा नहीं दिखाया तो खर्चा नहीं दिखाने से हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बढ़ जाएगा, ऐसे सिचुएशन में ये ₹200 यहाँ पे मैं क्या करूंगा सर? प्लस कर दूंगा। तो आपको कंपैरिजन कुछ कुछ समझ में आ रहा है? बहुत बच्चे बोल रहे सर लेस कर दो लेस कर दो। नहीं जी नहीं, आपको किसके बारे में सोचना है? फाइनेंस के बारे में। मैं सिंपल सी बात करता हूँ ना, ये देखिए ना एग्जाम्पल आपके सामने, जीपी आपका मान लेते हैं 2000 है, और कॉस्ट के अंदर मान लीजिए आपका प्राइम कॉस्ट भी 2000 ले लिया। अब आप बताइए प्राइम कॉस्ट भी 2000 है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि एक खर्चा ऐसा है जो कि मैं लिखने जा रहा हूं, वो खर्चा है ओवरहेड, वो हो गया ₹200, और मान लीजिए मेरा जो सेल्स है सर, सेल्स यहाँ था हमारा 5000 या ₹4000, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आएगा सर? घट के आएगा। और यहाँ नेट प्रॉफिट कितना आएगा सर? ये 2000 रहेगा, क्योंकि ये खर्चा तो आपने यहाँ पे नहीं दिखाया है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? एक बार और समझाएं, पहले यहाँ तक बताइए समझ में आया ये कुछ मैं क्या करना चाह रहा हूँ? ठीक है सर। यानी सर एक फंडा सिंपल सा है, हमें सोचना किसके बारे में? फाइनेंस। फाइनेंस मैंने इसलिए लिया क्योंकि आपको फाइनेंस आता है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है, तो आप झट से क्विकली कन्वर्ट कर सकते हो, वहां पे सोच सकते हो। फॉर्मेट क्या होगा सर? फॉर्मेट एकदम आसान फॉर्मेट है इसका, तो इसके फॉर्मेट की क्या बात करें, बहुत आसान फॉर्मेट है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं क्लास के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, जब तक मैं क्लास के क्वेश्चंस कराऊंगा आपको उसके बारे में किसी से नहीं पूछना है और ना ही खुद प्रैक्टिस करना है। जब मैं चैप्टर खत्म करूंगा तब जो मर्जी करिएगा, बीच में जो बच्चा इसके अंदर अपना दिमाग लगाएगा फिर वो बच्चा पूरे एंड तक इस चैप्टर में परेशान रहेगा। पहले मान लो ये डिक्लेरेशन है एक तरीके से, यहाँ पे लिखा हमने पर्टिकुलर और यहाँ पे लिख दिया सी आर एस, ठीक है, प्लस और माइनस। सबसे पहले आप लिखोगे प्रॉफिट एज पर, सबसे पहले लिखोगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट, यही तो हमने सीखा है। जो भी प्रॉफिट हुआ तो इस वाले कॉलम में, और लॉस हुआ तो किस में लिख देंगे? माइनस वाले कॉलम में। प्रॉफिट पॉजिटिव होता है, लॉस नेगेटिव होता है। फिफ्थ पॉइंट अभी करेंगे, अब सारे पॉइंट लिखूंगा, चिंता मत करो, अभी तो मैंने खत्म कहाँ किया है, अभी तो कॉन्सेप्ट स्टार्ट ही हो रहा है। मैंने कहा बताइएगा, मैंने कहा एक्सेस डेप्रिसिएशन इन फाइनेंस अकाउंट, अगर एक्सेस डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखा रखा है फाइनेंस अकाउंट में, तो आप बताइए मैं प्लस वाले कॉलम में लिखूं या माइनस वाले कॉलम में। अभी मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि सर हमें सोचना किसके बारे में है, बताइए किसके बारे में सोचना बताया था? सोचना है हमें, थिंक करना है हमें सर किसके बारे में? फाइनेंस अकाउंट। और फाइनेंस अकाउंट के क्या सर? उसके प्रॉफिट और उसके लॉस के बारे में, ठीक है ना। तो मैंने एक्सेस डेप्रिसिएशन दिखा रखा है एफए में फाइनेंस अकाउंट के अंदर, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा सर? ऐसे सिचुएशन में कहाँ चला जाएगा सर? माइनस में चला जाएगा। ओके, अब आगे आते हैं, देखते हैं आप बता पाओगे या नहीं बता पाओगे। मैंने बोला डिविडेंड
डिविडेंड रिसीव। अब आप मुझे बताइए क्या डिविडेंड रिसीव कॉस्ट शीट में आता है? आपको पता होना चाहिए, डिविडेंड रिसीव पता नहीं भी है तो मैंने जो चार्ट शीट बनवाया है तो लिखवाया था डिविडेंड रिसीव हमारा कॉस्ट शीट का पार्ट ही नहीं है, यानी कॉस्ट अकाउंटेंट डिविडेंड रिसीव को टोटल इग्नोर करके चलेगा। आप मुझे बता दीजिए डिविडेंड रिसीव क्या फाइनेंस के वालों ने इग्नोर किया होगा? नहीं जी नहीं, उसने लिखा होगा। अगर डिविडेंड रिसीव फाइनेंस वालों ने लिख लिया है तो इसे प्लस में लिखना चाहिए या माइनस में? फाइनेंस वालों ने लिख लिया है डिविडेंड रिसीव, और डिविडेंड रिसीव क्या है हमारे लिए? इनकम है। अगर डिविडेंड रिसीव हमारे लिए इनकम है और इनकम अगर फाइनेंस वाले लिख रहे हैं तो उससे क्या होगा? प्लस होगा। उससे क्या होगा? प्लस होगा। समझ रहे हो मेरी बातों को? ध्यान से सुनते रहना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने बोला एक्सेस ओवरहेड, या फिर मैं बोलता हूं, चलिए लिख देता हूं एक्सेस ओवरहेड। अगर मैं ओवरहेड कह रहा हूं, क्या फाइनेंस में आज से पहले आपने कभी सुना था ओवरहेड नाम का कोई बात के ओवरहेड होता है? नहीं सुना था। तो कब सुना आपने ओवरहेड की बात? आपने कॉस्टिंग करते हुए सुना आपने। तो अगर मैं ओवरहेड की बात कर रहा हूं तो वो कहां की बात चल रही होगी? कॉस्ट शीट की बात चल रही होगी। ठीक है ना, मैंने बोला एक्सेस ओवरहेड इन कॉस्टिंग, यानी सर कॉस्टिंग के अंदर मैंने ओवरहेड ज्यादा दिखाया हुआ है। तो आप बताइए अगर कॉस्टिंग में ओवरहेड ज्यादा दिखाया हुआ है तो फाइनेंस में तो आपने फिर दिखाया नहीं है, कम दिखाया होगा फाइनेंस में। समझ रहे हो? अगर फाइनेंस में कम दिखाया तो उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ओवरहेड है क्या इनकम या खर्चा, ये पहले डिसाइड करो। सर ओवरहेड जो है वो तो खर्चा है, और खर्चा आप कम दिखा रहे हो। कहां पे कम दिखा रहे हो? सर फाइनेंस में कम दिखा रहे हो, और खर्चा कम दिखाने से प्रॉफिट क्या हो जाएगा? एड हो जाएगा। तो ये कहां लिखेंगे? सर एड वाले कॉलम के अंदर लिख देंगे। मैंने कहा इनकम टैक्स पेड। आप मुझे जवाब दीजिए, इनकम टैक्स पेड क्या कॉस्ट शीट में आता है? जवाब नहीं। क्या फाइनेंस वाले कंसीडर करते हैं? जी करते हैं। इनकम टैक्स पेड एक तरीके से मान लो थोड़े पल के लिए ऐसा खर्चा, वैसे तो ड्राइंग होता है लेकिन मान लो अभी थोड़ी देर के लिए कि वो खर्चा है, तो इनकम टैक्स पेड खर्चा फाइनेंस वालों ने कंसीडर कर लिया है तो ये क्या हो जाएगा साहब? ये हो जाएगा हमारा माइनस में चला जाएगा। ठीक है, और भी बताओ सर, और पॉइंट लिखो आप। ठीक है, और पॉइंट लिख रहे हैं आप, और पॉइंट लिख देते हैं। क्या पॉइंट लिखें? हाँ, अब पॉइंट लिखने से क्लोजिंग स्टॉक पे आते हैं। चलो क्लोजिंग स्टॉक। अब सबसे पहले इसको समझाने के लिए आपको समझना होगा कि क्लोजिंग स्टॉक कहां जाता है। आप ध्यान से समझे, क्लोजिंग स्टॉक कहां जाता है बताओ? P&L या ट्रेडिंग बोल लो, P&L बोल लो। अब तो सब खैर समझ ही गए होंगे कॉर्पोरेट में, भैया P&L तो खत्म ही हो चुका है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्रेडिट साइड में जाता है। मान लेते हैं मेरा यहाँ क्लोजिंग स्टॉक 2000 है। क्योंकि ये क्रेडिट साइड में जा रहा है तो दिमाग में एक बात फिट कर लेना, जब भी क्लोजिंग स्टॉक का पॉइंट आएगा तो उसको इनकम के तरीके से सोचना आप। ठीक है, उसको किस तरीके से सोचोगे आप? इनकम के तरीके से। और मैंने बोला भैया कॉस्ट शीट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक जो है वो है 1000 रुपए। 1000 नहीं करते, नहीं तो फिर आप बोलोगे सर कैसे लिया 1000, 1500 कर देते हैं। आप मुझे बताइए मैंने क्या कहा, क्लोजिंग स्टॉक किसके हिसाब से सोचना है? क्लोजिंग स्टॉक को इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। मैंने फाइनेंस में कितना लिखा हुआ है सर? 2000। कॉस्टिंग में कितना लिखा हुआ है? 1500। इसका मतलब 500 रुपए क्लोजिंग स्टॉक मैंने फाइनेंस में क्या कर रखा है? ज्यादा दिखा रखा है। और क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना था? इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या करें, ऐड कर दें लेस कर दें? क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज, बताइए क्या करें? इन फाइनेंस अकाउंट, बताइए क्या करा जाए, ऐड या लेस? दिमाग लगाइए, बताइए फटाफट। कनक का जवाब आ गया सर, ऐड एड, कोमल एड, और अलीशा एड, आरिफ एड, अर्नव अग्रवाल एड, प्रथम अकेला कह रहा है लेस कर दो सर इसको। देखिए मैं फिर दोबारा बताने जा रहा हूं, ज्यादातर बच्चे एड, हिना का भी एड 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 ज्यादा आ रहा है, एड ज्यादा नहीं आ रहा, एड करना है, ये जवाब ज्यादा आ रहा है। अब इसके अंदर क्या है सर, मैंने क्या कहा, क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में होता है,
प्रॉफिट एंड लॉस के जब भी क्रेडिट साइड में कुछ भी चीज आया, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट, वो इनकम होता है, ये मानते हो। तो एज अ इनकम सोचो, कॉस्ट में कितना इनकम दिखाया और फाइनेंस ने कितना इनकम दिखाया, तो फाइनेंस वालों ने तो ज्यादा प्रॉफिट दिखा रखा है ना। और हमें सोचना किसके बारे में है, फाइनेंस के बारे में सोचना। फाइनेंस वालों ने कितना ज्यादा प्रॉफिट दिखा रखा है, 500, तो हम 500 से एंट्री करने वाले हैं और कहां जाने वाला है, यहाँ पे प्लस में जाने वाला है। समझ में आई बात? अब एक जी, अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो मैं चुपचाप लिखूंगा एक पॉइंट, बता देना क्या होगा। ओपनिंग स्टॉक 3000 और कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक 1700, बता दो। फाइनेंस में ओपनिंग स्टॉक 3000, कॉस्ट में मैंने लिखा 1700, आप अमाउंट भी बताओ। अमाउंट चलो मैं बता देता हूँ कितना आएगा अमाउंट, सर 1300 रुपए आ जाएगा, ठीक है ना। अब एड में करें या लेस में करें, बताइए। ₹1300 लेस कह रहे हैं कुछ, ऐड कितने बच्चे कहते हैं, तो ज्यादातर बच्चों का एकदम सही जवाब आ रहा है लाइव क्लास में भी कि सर इसको लेस कर दीजिए। पता है ऐसा जवाब क्यों दिया बच्चों ने, क्योंकि ये खर्चा है और खर्चे के बारे में सोचना है। यहाँ पे 1700 दिखा रहे हो, यहाँ पे 3000 दिखा रहे हो, मतलब खर्चा आपने फाइनेंस में क्या दिखा रखा है ज्यादा, तो प्रॉफिट पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, कम होगा, इसलिए क्या होगा ये लेस हो जाएगा। अगर ओपनिंग स्टॉक मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। सेम अगर मैं कहता क्लोजिंग स्टॉक मैं लेस दिखाऊंगा तो आप समझ जाते, ठीक है ना। तो बिल्कुल बेसिक सा फंडा है, दिमाग में दो बातें लेके चलना है, P&L और कॉस्ट शीट। P&L के अंदर क्या फर्क पड़ रहा है उसके हिसाब से आपको लिखना है यहाँ पे सारा। सभी बच्चों ने लेस 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 जवाब दे दिया कि इतने पॉइंट आप लेस कर दीजिए। अब आ जाते हैं और भी पॉइंट पे, चलो। अब होता है एक एब्जॉर्प्शन, सर एक होता क्या है एब्जॉर्प्शन, आगे आप पढ़ोगे पांचवे सेमेस्टर में, चिंता मत करो, एब्जॉर्प्शन के नाम से पूरा चैप्टर ही बन जाएगा। यहां तो एक वर्ड है, वहां इस चैप्टर ही बन जाएगा एब्जॉर्प्शन के नाम से पूरा। तो सर एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है, अगर हिंदी मीनिंग बोले तो होना, एब्जॉर्प्शन का मतलब होना। और एब्जॉर्प्शन बेसिकली वर्ड लगाया जाता है किसके लिए, खर्चे के लिए, खर्चा लिख दिया खर्चे, चलो छोड़ो, किसके लिए लगाया जाता है, खर्चे के लिए। अब यहां पे एब्जॉर्प्शन दो तरीके का होता है, या तो अंडर एब्जॉर्प्शन होगा या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन होगा, समझ रहे हो बात, या तो अंडर एब्जॉर्प्शन होगा या ओवर एब्जॉर्प्शन होगा, या तो अंडर एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन तो लिखी रखा है, या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन शब्द कभी आपने आज से पहले सुना था क्या, आज से पहले कोई वर्ड सुना था, नहीं सुना था सर। अब हम सीख रहे हैं कॉस्टिंग में, तो अगर मैं कहूं कि रेंट आपका अंडर एब्जॉर्प्शन है, तो इसका मतलब, अंडर का मतलब होता है कम, और ओवर का मतलब सबको पता है क्या होगा सर, ज्यादा, ठीक है ना। अगर मैंने कहा रेंट अंडर एब्जॉर्प्शन है, रेंट क्या है हमारा, अंडर एब्जॉर्प्शन है, तो मतलब सर ये कॉस्ट शीट के अंदर, यानी ये सारी जानकारी आपको किसकी मिल रही है सर, ये कॉस्ट शीट की बात चल रही है, यानी आपने रेंट कॉस्ट शीट में कम दिखाया हुआ है। अगर आपने रेंट को कॉस्ट शीट में कम दिखाया है, मतलब फाइनेंस की कॉस्ट शीट के अंदर रेंट कम दिखा रहे हो, रेंट है क्या हमारा, एक तरीके से खर्चा है, और खर्चा अगर आप कम दिखा रहे हो कॉस्ट शीट में, तो फाइनेंस में तो ज्यादा दिख रहा होगा, तभी तो कम बता रहे हो, क्योंकि फाइनेंस में क्या होगा, ज्यादा होगा, और खर्चा फाइनेंस में ज्यादा होगा तो उसकी वजह से उसका प्रॉफिट क्या होगा, बताओ प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट उस वजह से उसका क्या हो जाएगा, माइनस होगा। समझिए बात, आप पॉइंट को कनेक्ट कर पा रहे हो क्या, आप पॉइंट को कनेक्ट कर पा रहे हो। बच्चे कुछ अभी ज्वाइन हो रहे हैं, कह रहे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, प्लीज एक्सप्लेन क्लोजिंग स्टॉक अगेन, अभी आएंगे जल्दी से फटाफट। आ जाइए ओवर, ओवर का मतलब क्या है सर, ज्यादा। मैंने कहा कि मेरा वेजेस, वेजेस जो है वो ओवर एब्जॉर्प्शन है, वेजेस क्या है,
एब्जॉर्प्शन मतलब मैंने कॉस्ट में वेजेस ज्यादा दिखाया हुआ है, और वेजेस होता क्या है, एक्सपेंस, और कॉस्ट में एक्सपेंस ज्यादा दिखा रहे हो तो फाइनेंस में कितना होगा, कमी होगा ना, तो फाइनेंस के प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा, फाइनेंस का प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ने वाला है सर, प्लस हो जाएगा, फाइनेंस के प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा, प्लस हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, होना, अगर अंडर हुआ तो कम खर्चा कर रखा है, ओवर हुआ तो आपने ज्यादा खर्चा कर रखा है, कहाँ पे सर, फाइनेंस में या कॉस्ट में, सर हमेशा किसकी बात करेगा वो, कॉस्ट का, अगर कॉस्ट के बारे में आपको कोई खर्चा ज्यादा या कम पता चल रहा है तो फाइनेंस में उसका अपोजिट सोच के आप फटाफट से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो एक ये पॉइंट आएगा, जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, आप मुझे जवाब देना, देखो आपने ऑब्जॉर्प्शन अगर दिमाग में लगा लिया है तो मुझे जवाब देना, ओवरहेड अंडर रिकवर कह दिया या फिर एब्जॉर्ब, अंडर रिकवर कह दूं या एब्जॉर्ब, ओवरहेड अंडर रिकवर है एब्जॉर्ब, अब सोचो बताओ फाइनेंस पे क्या होगा, ओवरहेड अंडर रिकवर या एब्जॉर्ब का मतलब क्या हो गया, ओवरहेड का खर्चा कम हुआ है, कहां पे, कॉस्ट में या फाइनेंस में, कॉस्ट में सर खर्चा कम हुआ है, सर कॉस्ट में खर्चा कम हुआ है तो फाइनेंस पे क्या हो रहा होगा, ज्यादा हो रहा होगा, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ रहा होगा, माइनस, तो हम कहाँ लिखेंगे सर, समझ रहे हो कैसे आपको कोऑर्डिनेट करना है, समझ रहे हो कैसे, प्लस इन एफ ए, एफ ए में प्लस नहीं, हाँ ज्यादा खर्चा हो रहा होगा, आपको सोचना उसके प्रॉफिट के बारे में है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा, हम क्योंकि अब ऐसे मान लेते हैं, रेंट वेजेस है, या हम मान लेते हैं क्या माने, कि कोई एक आध पॉइंट और बता दो तो मैं लिख लूँ यहाँ पे, चलो मैं ओवरहेड ही लिख रहा हूँ, ठीक है, ओ और एच लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको ओवरहेड, ओवर रिकवर या फिर एब्जॉर्ब, मान लो ओवरहेड ओवर है, कहाँ पे होगा ये ओवर, सबसे पहले ओवरहेड क्या है, खर्चा है, खर्चा ओवर दिखा रखा है, कहाँ दिखा रखा है, कॉस्ट में दिखा रखा है, अगर कॉस्ट में खर्चा ज्यादा है तो फाइनेंस में, और फाइनेंस में खर्चा कम मतलब प्रॉफिट को क्या करेगा, माइनस या प्लस करेगा, वो प्लस करेगा, तो इसलिए ये वाला कहाँ आ जाएगा हमारा, प्लस में, ठीक है ना, इसलिए कहाँ आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अगला पॉइंट बताइए, एक होता है हमारा ट्रांसफर प्राइस, ट्रांसफर प्राइसिंग, तो शेयर वगैरह जब ट्रांसफर करती है ना, तो कंपनी वाले शेयर होल्डर से पैसे ले लेते हैं, या ट्रांसफर करने के हम कुछ पैसे लेते हैं जो कि फाइनेंस का पार्ट होता है, तो जब ट्रांसफर होगा तो फाइनेंस वाले पैसे लेंगे तो उसके लिए इनकम माना जाएगा, तो इसलिए इसको हमेशा याद रखिएगा, कहाँ लिखेंगे, प्लस, मैंने कुछ एक एग्जाम्पल दिया, अभी फिर से दोबारा भी पूछूंगा, मैं दोबारा भी बताऊंगा, एक दो बच्चे कह रहे हैं सर इसको बता दो प्लीज, इसको बता दो, तो इसके हिसाब से मैं थोड़ा क्लियरिटी मिल जाएगा। अब जो भी आंसर निकलेगा आपका, फाइनली आंसर कैसे लिखोगे यहाँ पे सर, अब लिखोगे यहाँ सर प्रॉफिट एज पर फाइनेंस अकाउंट, और ये आंसर इधर निकल के आएगा, क्योंकि ये टोटल ऑलवेज ज्यादा होगा और इधर आंसर निकल के आएगा, इन केस ये वाला टोटल ज्यादा हुआ और आंसर इधर आ रहा है, तो यहाँ पे लॉस एज पर फाइनेंस अकाउंट बोलोगे। चलो एक एक करके देखते हैं, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट से स्टार्ट होगा और प्रॉफिट एज पर फाइनेंस अकाउंट पे खत्म हो जाएगा। एक्सेस डेप्रिसिएशन एफए, फाइनेंस अकाउंट में ज्यादा डेप्रिसिएशन मतलब खर्चा ज्यादा दिखा है तो प्रॉफिट कम होगा। डिविडेंड रिसीव फाइनेंस अकाउंट के अंदर सिर्फ आता है, डिविडेंड फाइनेंस अकाउंट में आ गया है तो पैसा आना मतलब इनकम, इनकम का मतलब फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ना, तो प्लस में आ गया। एक्सेस ओवरहेड इन कॉस्टिंग, कॉस्टिंग में अगर आप ओवरहेड ज्यादा दिखाओगे तो फाइनेंस में आपने कम दिखाया होगा, अगर फाइनेंस में आपने कम दिखा रखा है तो जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्लस में आ गया। इनकम टैक्स पेड सिर्फ फाइनेंस में दिखाया जाता है तो क्या हो जाएगा, खर्चा ही मान लो एक तरीके से माइनस हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज, एक बच्चे ने बोला सर ये बता दो क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज डिक्रीज क्या फंडा पढ़ा रहे हो, हमें समझ ही नहीं आ रहा। अब क्लोजिंग स्टॉक को आपको क्या कंसिडर करना है सर, क्लोजिंग स्टॉक को आपको मानना है, जैसे मेरे यहाँ वाले केस में क्या मानना है सर, आपको इसको एज अ इनकम ट्रीट करना है, और ओपनिंग स्टॉक क्योंकि डेबिट में है एज आपको इसको क्या ट्रीट करना है साहब, एक्सपेंस ट्रीट करना है। मैंने कहा क्लोजिंग स्टॉक इनकम है और मैं कहता हूं कि फाइनेंस के अंदर इनकम मेरा 2000 है और कॉस्ट शीट में मेरा इनकम 1500 है, तो वेरी वेरी सिंपल कि हमारा फाइनेंस के अंदर इनकम ज्यादा है,
और फाइनेंस के अंदर इनकम ज्यादा होने का मतलब उसके प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, प्रॉफिट उसका बढ़ जाएगा, कितने से बढ़ जाएगा, 500। इसलिए मैंने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को प्लस में लिखा था, किसमें लिखा है, प्लस में। सेम अगर ओपनिंग स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे खर्चा 3000 है और साहब यहाँ पे खर्चा कितना है, 1700। तो मैंने फाइनेंस में खर्चा ज्यादा दिखा रखा और सोच भी फाइनेंस के बारे में रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, कम। इसलिए मैंने इसको कहाँ दिखा रखा है साहब, माइनस में। बाकी अंडर और ओवर रिकवर का तो मैंने अभी अभी बताया ही है। सभी बच्चे को क्या यहाँ तक सभी पॉइंट एकदम क्लियर है, सभी पॉइंट क्लियर है? तो एक दो सवाल के अंदर हम थोड़ा सा अप्लाई करके देखें क्या चल रहा है, नहीं चल रहा। बाकी बुक्स के लिंक मैंने दे दिए हैं भैया, बुक लेके आना है आपको अगली क्लास से। एक चैप्टर खत्म हो गया, नहीं तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है? और देखो ये बहुत सिंपल चैप्टर है, मुश्किल कब हो जाता है, जब आप ध्यान नहीं देते हो। कुछ बच्चे सोचते हैं कॉस्ट शीट के जैसा, यार ये तो कर ही लेंगे, बस अभी समझाए समझ लेंगे। अभी जितना आसान लग रहा है ना आपको, बाद में सबसे मुश्किल यही लगेगा। एग्जाम के टाइम पे बच्चा बोलता है सर ये वाला एक बार रिविजन करा लो, पहले तो हमने ध्यान नहीं दिया, तो अब ध्यान से निकल गया है। तो इसलिए अभी से ही आप सारी चीजें देख के चलना है, ठीक है ना? अब देखिए आगे देखते हैं सर, एक क्वेश्चन आपके सामने है, एक क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। सारे क्वेश्चंस मैं आपकी किताब के कराऊंगा प्लस 10 ईयर के कराऊंगा, तो मेरे लिए आप, कई बच्चे बोलते हैं सर नोट्स दे दीजिए, जो बच्चे लाइव में उनको तो ये नोट्स मिलता ही मिलता है, लेकिन कई बार बच्चे बोलते हैं सर ये मिलेगा कहाँ। और मैं एक बात बता दूं, पिछली बार भी मैंने बोला था कि आप बुक ना खरीदनी चाहिए, अगर बुक नहीं लेंगे तो बड़ा टेंशन वाली बात है ये, आप आने वाले जनरेशन को क्या कर रहे हैं, बिल्कुल अपंग कर रहे हैं आप, यानी आप देश को जैसे कह रहे हैं देशद्रोह है एक तरीके से हो जाएंगे आप। बुक खरीदना ही खरीदना है आपको, प्लस और माइनस, ठीक है? चलिए कहता है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड, तो यहां क्या लिखोगे सर, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट या कॉस्ट भी लिख दो, 70,500। अगला पॉइंट कहता है अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड का मतलब कम, क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट रिकॉर्ड। कॉस्ट रिकॉर्ड का मतलब सर, मतलब कॉस्ट शीट। कहता है भैया क्लोजिंग स्टॉक मैंने कॉस्ट शीट में कम दिखाया है। अब क्लोजिंग स्टॉक इनकम की तरह सोचना है, एक्सपेंस की तरीके से इनकम। अब कॉस्ट शीट में इनकम कम दिखा रहे हो तो फाइनेंस में क्या कर रहे होगे, ज्यादा दिखा रहे हो, और इनकम ज्यादा दिखा रहे हो तो प्रॉफिट क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या दिखाया हमने, शॉर्ट कह लो या अंडर वैल्यू, तो अंडर वैल्यू है कितने रुपए से, 10,500। नहीं समझ में आई है? अब देखो ये हमारा P&L है, ठीक है? अब क्लोजिंग स्टॉक है, मैंने बोला क्लोजिंग स्टॉक, और ये क्या है, कॉस्ट शीट। मैंने बोला यहां पे ना मैंने क्लोजिंग स्टॉक 10,500 कम दिखाया है, तो भाई यहां पे आपने कॉस्ट शीट में मिस्टेक करी है कम, तो फाइनेंस में तो आपने 10,500 ज्यादा ही दिखाया होगा ना, यहाँ पे आपने नहीं दिखाया तो यहाँ ज्यादा दिखाया होगा। इसमें अगर आप 10,500 ज्यादा दिखा रहे हैं तो इसके प्रॉफिट तो बढ़ के ही आना है। जब प्रॉफिट बढ़ के आना है तो हम कॉस्ट रिकंसिलेशन में भी कहाँ लिखेंगे, प्लस में ही लिखेंगे, तो इसलिए मैंने देखो प्लस में लिखा। समझ में आया नहीं, मुझे जल्दी बोलो फटाफट से, आ गया समझ में? बच्चे कह रहे हैं सर लेस कर दो, सर ये न्यू चैप्टर है, बिल, अरे एकदम न्यू चैप्टर है ये, 5वें यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, क्या बात कर रहे हो, कॉस्ट शीट जैसा कुछ दिख रहा है क्या आपको उसमें, बिल्कुल न्यू चैप्टर है। कहता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर रिकवर इन कॉस्ट। सबसे पहले अंडर रिकवर का मतलब, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड खर्चा है या इनकम है, मुझे बताओगे जरा? ओवरहेड आ गया तो क्या बन गया, खर्चा कम दिखाया है, कहां पे, कॉस्ट रिकॉर्ड में, तो कॉस्ट में आपने खर्चा तो फाइनेंस में क्या करा होगा, और ज्यादा खर्चा दिखाने से प्रॉफिट फर्क आ गया होगा, प्रॉफिट घट गया होगा या बढ़ गया होगा, घट गया होगा, तो एडमिन एक्सपेंस
पूरे पूरे वर्ड नहीं लिख रहा हूँ आपको, तो पूरा पूरा वर्ड लिखना है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ, तो 5200 रुपये। ठीक है, अब यहां तक समझ में आया? सर बैड डेट्स एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ इन द फाइनेंशियल अकाउंट ओनली, यानी 7345 रुपए एक बैड डेट्स और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, जो कि क्या है, खर्चा या इनकम? खर्चा है, और जिसको कहां दिखा रखा है आपने? ओनली भी वर्ड लगाया है, ऐसा नहीं क्या कॉस्ट में भी दिखाया है, कहां दिखाया है? फाइनेंस में सिर्फ दिखाया है, तो इसका मतलब फाइनेंस में दिखा रहे हो तो फाइनेंस के प्रॉफिट पे इंपैक्ट आ गया होगा, तो क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं सर बैड डेट्स एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, और अगर ये नहीं भी बोलता ना कि फाइनेंस में दिखाया, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो है फाइनेंस का ही पार्ट होता है, कॉस्ट में तो आता ही नहीं, तो प्रॉफिट कम हो गया 7345। अब कहते हैं डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज इन कॉस्ट रिकॉर्ड, यानी सर ये खर्चा है और खर्चा आपने कॉस्टिंग में ज्यादा दिखा दिया, तो फाइनेंस में क्या करा होगा, कम दिखाया होगा सर, डेप्रिसिएशन इन कॉस्ट एक्सेस है और कम दिखाया होगा, तो जिससे क्या फर्क आया होगा? पहले किसी बच्चे को यहां तक किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, पहले बताओ, फिर मैं टोटलिंग पे जाऊं, क्योंकि क्लियरिटी आना बहुत जरूरी है। लेस हो जाएगा, एक्सपेंस है, अब देखो बच्चों ने लेस ऐड बोला है तो थोड़ा सा मिक्सिंग टाइप का हो गया, किसके लिए लेस बोल रहे हैं किसके लिए ऐड बोल रहे हैं, तो आप यहां तक किसी का डाउट है तो बोल दो सर यस डाउट पॉइंट नंबर 1 2 3 4, या फिर बोल दो नो डाउट, बात खत्म, नो डाउट। चलिए 70500 प्लस 10500 प्लस 34,45, ये आ गया 8,4,4,4,5, 8,4,4,4,5। देख लीजिए टोटल करने का स्टाइल भी है, पहले ये टोटल किया, यही टोटल इधर लिखा, अब क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एज पर फाइनेंस अकाउंट, ठीक है, -5200 -7345, ये आ गया 71900। आप आंसर मैंने इसलिए डाल दिया है ताकि आपको थोड़ा तसल्ली रहे, ये देखिए सर कितने नंबर का सवाल आएगा, सर ये आपके जो सेमेस्टर 4 वाले बच्चे हैं 15 नंबर का सवाल आएगा, हाँ जी, और ऐसा नहीं है कि नहीं आया है, कई बार आया हुआ है। सर थर्ड पॉइंट एक बार बता दो, भावना का पॉइंट है, थर्ड कहता है एडमिन ओवरहेड एक खर्चा है जो कि अंडर रिकवर्ड है, कॉस्टिंग में हमने एक खर्चा कम दिखा रखा है, तो उसका अपोजिट सोचना है, फाइनेंस में हमने ज्यादा दिखा रखा होगा जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट कम आ गया होगा, तो मैंने माइनस कर दिया। डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट एक बार कहता है डेप्रिसिएशन ओवर दिखा रखा है, ज्यादा दिखाया हुआ है, कहां दिखाया हुआ है ज्यादा, कॉस्ट में डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखाया है, तो फाइनेंस पे उल्टा सोचना है कि कम दिखाया होगा, रिवर्स हो गया, मैंने कहा भैया कॉस्टिंग में ये खर्चा दे रखा है तो आप समझ जाना फाइनेंस में ये खर्चा नहीं होगा, तो फाइनेंस में कम होगा तो प्रॉफिट हो गया होगा। पॉइंट नंबर 4 अभी बताए, तो पॉइंट नंबर 4 कहता है बैड डेट्स एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हमने सिर्फ फाइनेंस अकाउंट पे दिखा रखा है, यानी ये वो खर्चा है जिसे सिर्फ फाइनेंस अकाउंट पे दिखा रखा है, जिससे हमारे प्रॉफिट पे इंपैक्ट आएगा, और प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा सर, प्रॉफिट वहां पे हमारा क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि खर्चा दिखा रखा है, तो मैंने माइनस कर दिया। अब बच्चे पूछ रहे हैं सर फर्स्ट पॉइंट बता दो, जी फर्स्ट पॉइंट हमेशा कुछ नहीं होगा, फर्स्ट पॉइंट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट लिखा जाएगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना, ठीक है ना। ऐड क्यों किया सर, 7 ऐड नहीं किया महाराज जी, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर है, ऐड नहीं किया मैंने, ये बैलेंसिंग फिगर है, मैंने लिखा प्रॉफिट एज पर और ये इस टोटल में से इन सबको माइनस करके दिखाया, ऐड नहीं है ये। अभी स्टार्टिंग वाली सारी चीजें आप प्रैक्टिस करोगे, देखो वीडियो तो आपको मिलेगा, आप 10 बार रिपीट कर सकते हो मेरी वीडियो को,